नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीओ स्टडी पर। तो जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है उसका हैंडआउट थोड़े दिन पहले जारी किया गया था, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो मैथ और रीजनिंग आएगी वो आईबीपीएस के जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके लेवल की आएगी। और फिर जो दूसरा सवाल है वो सब में यही हो रहा है कि जो कट ऑफ जो मार्किंग होगी, जो मेरिट निकलेगी, वो सेक्शन वाइज होगी या फिर ओवरऑल होगी टोटल मार्क में से। तो अभी देखीजिए, इसमें दो तरीके की बातें सामने आ रही है। तो अपन आगे बढ़े उससे पहले आप अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जीवा स्टडी को। तो जो नेगेटिव जो कट ऑफ मार्किंग है उससे लेकर दो चीज़ें सामने आ रही है। कोई बोल रहा है कि टोटल मार्क में जो टोटल मार्क्स होंगे उनमें से निकलेगा, और कोई बोल रहा है जो सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, जो है नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि सेक्शन वाइज कट ऑफ होगी, और जो हैंडआउट जारी किया है उसमें लिखा हुआ है कि कट ऑफ में बी अप्लाइड इन टू स्टेजेस। ठीक है, कि कट ऑफ दो स्टेज में अप्लाई हो सकती है, एक तो ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल जिसमें कि सेक्शन वाइज कट ऑफ हो हर, जैसे इंग्लिश मैथ रीजनिंग में अलग अलग कट ऑफ, और सेकेंड है कि ऑन टोटल स्कोर जो फाइनल जो पूरा 200 में से कितनी हो सकती है वो। तो ये इन दो पर डिपेंड बता रखी है। तो इसके हिसाब से तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं नहीं दिया गया था कि कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है। तो इसमें अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी या टोटल स्कोर में से रहेगी। जो ये लाइन लिखी है जो हैंडआउट आया था उसमें लिखी है, इसमें तो क्या है ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट और ऑन टोटल स्कोर, कि टोटल स्कोर पर डिपेंड करेगी कट ऑफ। और कट ऑफ अगर हर पार्ट जो पहली लाइन है उसका इसका मीन्स है कि आपको हर जो पार्ट होगा, हर इंडिविजुअल टेस्ट जो हर पार्ट होगा, एक इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके और जो भी अकाउंटेंसी का, उसमें अलग उसमें भी क्लियर करना होगा, और टोटल स्कोर के हिसाब से भी कट ऑफ रहेगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल शुरुआत में जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे तब उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या होगा, ये तो अभी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कट ऑफ सेक्शनल वाइज रहेगी या फिर ओवरऑल रहने वाली है। तो इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन हैंडआउट में ये साफ साफ लिखा है कि ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट और ऑन टोटल स्कोर। तो अभी सब कुछ कन्फ्यूजन में, नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं था और इसमें ये दे दिया, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अगले अगर आप हमके कोई जान हमें कोई जानकारी मिलती है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप बने रहें जियो स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जियो स्टडी। धन्यवाद।